प्रकृति एवं उसमें विद्यमान सभी पदार्थों की रचना अपने आप में रहस्यमय है। प्रकृति यानी नेचर के बारे में संपूर्ण जानकारी होने का दावा तो किया जाता है, परंतु हर बार प्रकृति में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमारे ज्ञान को शून्य के स्तर पर ले जाता है, और फिर से हम प्रकृति से जुड़े सिद्धांतों पर अवलोकन एवं विश्लेषण करके अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने लगते हैं। आज का विषय भी ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए एक विशेष मुद्दे पर है। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल समय चक्र में। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य एवं यहाँ तक कि निर्जीव पदार्थों में भी ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी पदार्थ के चारों तरफ कुछ निश्चित दूरी में प्रकाशमय तरंगों का प्रवाह होता है, जिसे हम उस पदार्थ का आभा मंडल कहते हैं। यह आभा मंडल क्या है और ये मानव शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। प्राणियों के शरीर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर यानी हमारा भौतिक शरीर, जिसे हम देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं एवं अपने नित्य क्रिया को करने के लिए उपयोग करते हैं। जबकि सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे स्थूल यानी भौतिक शरीर का संचालन करता है। हमारा सूक्ष्म शरीर ही एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है, जिसके चारों तरफ अंडाकार आकार में प्रकाश में ऊर्जा की किरणों का निरंतर प्रवाह होता है, जो हमारे भौतिक शरीर में भी ऊर्जा को प्रवाह करता है और हम अपनी क्रिया को गतिशील बनाते हैं। मानव शरीर में जन्म के पश्चात एवं मृत्यु के पूर्व ये ऊर्जा स्रोत कार्यरत रहता है। आसान शब्दों में हम इसे प्राण शक्ति भी कहते हैं। आभा मंडल यानी कि ओरा एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारे शरीर के चारों तरफ प्रवाहित होता है और प्रत्येक मनुष्य का ओरा उसके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड में स्थित सभी चीज जैसे कि अणु, परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ भी, यहाँ तक कि हमारे विचार, भावनाएं, प्यार, आदर, पूजा एवं प्रार्थना सभी मात्र वाइब्रेशन है जो निरंतर प्रवाह करते हैं, और ये वाइब्रेशन प्रत्येक पदार्थ के आभा मंडल को भी प्रभावित करते हैं। वेदों के अनुसार सजीव पदार्थ यानी कि मनुष्य, प्राणी एवं पेड़ पौधों में ये आभा समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, जबकि निर्जीव पदार्थों में ये आभा स्थिर रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति से निर्जीव पदार्थों के आभा में भी बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आभा मंडल के ऊर्जा स्रोत एवं उसके प्रकाश में रंगों के बारे में। किसी भी मनुष्य की आभा उस मनुष्य के बारे में सभी प्रकार की जानकारी का प्रतिबिंब होता है। मनुष्य की आभा उसके विचारों के अनुसार अपने आप को प्रदर्शित करती है, या यूं कहें कि जैसा मनुष्य अपने अंदर विचारों का संग्रह रखता है, उसी के अनुसार उसके आभा मंडल का निर्माण होता है। इन विचारों में क्रोध, वासना, लालच, लगाव, प्रेम, स्नेह, सच, झूठ, भक्ति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति, रोग, तनाव, चिंता आदि का समावेश होता है। आभा प्रत्येक मनुष्य के हृदय एवं मन के वास्तविक स्थिति की परछाई की तरह होती है। कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के आभा को महसूस करने में सक्षम है। आभा को महसूस तो किया जा सकता है, पर उसे देख पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए साफ एवं स्वस्थ मन के अलावा निरंतर प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में 7 अलग अलग रंगों के ऊर्जा के केंद्र विद्यमान हैं। हम जो भी सोचते हैं या करते हैं वो सब इन ऊर्जा केंद्रों में दर्ज होता है, और ऊर्जा तरंगों द्वारा आभा के रूप में ये सामने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आध्यात्मिक गुरु जो कि आभा के विशेषज्ञ हो, आपके शरीर के आभा को देखकर आपके अतीत एवं वर्तमान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आभा को महसूस करना काफी आसान है। हम सब ने जाने अनजाने में ये अनुभव तो अवश्य ही किया होगा। आभा एक प्रकार की शक्तिशाली रक्षण कवच है, जो बुरी शक्तियों जैसे कि आत्मा, भूत, प्रेत
एवं बीमारियों के सामने अभेद बनकर हमारी रक्षा करता है। परंतु इसके लिए हमारे आभा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आभा कमजोर पड़ा तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां आसानी से इसे भेद सकती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम सब ने अपने आभा को इन परिस्थितियों में महसूस किया है। कई बार हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं पर उस जगह हमें बेचैनी सी महसूस होती और हम वहां पर ठहरने का विचार त्याग देते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो भले ही हमारे बीच कोई भी गलत बात ना हुई हो, फिर भी सामने वाले इंसान से बात करना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें उससे बात करते समय बुरे अनुभवों का आभास होता है। ये सब हमारे आभा का कार्य है। हम भले ही किसी को जानने समझने में चूक कर दे पर हमारी आभा सामने वाले व्यक्ति के आभा को आसानी से महसूस कर सकती है। मानव शरीर में आभा को कमजोर करने में मुख्य रूप से मानव की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच, बदला इत्यादि जिम्मेदार हैं, जिसे हम आसानी से सुधार सकते हैं। अगर हम अपने अवगुणों को प्रेम, त्याग एवं क्षमा भावना से परिवर्तित कर दें, इससे हम अपने मानसिक विकारों को दूर करके शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य से मिलता है, उनके बीच किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, तब वे अपने अपने ऊर्जा से एक दूसरे के आभा को प्रभावित करते हैं। आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि संत महात्मा पुरुषों के संपर्क में आके पापी एवं अत्याचारी पुरुषों में भी सुधार हुआ है। वास्तव में यह संभव हो पाता है क्योंकि संत पुरुष अपने सकारात्मक ऊर्जा को बुरे लोगों को प्रदान करते हैं एवं उनकी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं एवं अपने योग बल से उसे नष्ट कर देते हैं। आध्यात्मिक रूप से संपन्न मनुष्य के संपर्क में आके आम इंसान भी अपने आभा की स्थिति को सकारात्मक सुधार में बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जो हमारे आभा को कमजोर बनाते हैं। मानव का संबंध हर किसी से एक समान नहीं होता। जिससे संबंध अच्छे होते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, और जिससे हमारे संबंध अच्छे ना हो, जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान हुआ, तो हम उसे कोसने लगते हैं। ये कोसने की जो प्रक्रिया है, ये दोनों की आभा को कमजोर करता है। कोसने वाला व्यक्ति एवं कोसे जाने वाला व्यक्ति, इसके अलावा बोलचाल की भाषा में अभद्र शब्दों का प्रयोग, घृणा, लालच, क्रोध, तनाव, अवसाद जैसी भावनाएं भी मनुष्य की ऊर्जा में कमी लाती हैं। किसी के प्रति नफरत एवं बदला लेने की इच्छा लंबे समय तक मन में रखना भी इन कारणों में से एक है। आभा हमारे खान पान पर भी निर्भर करता है। अस्वस्थ भोजन का सेवन शरीर को अस्वस्थ करता है एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी हमारे आभा मंडल में ऊर्जा की कमी के कारण बनते हैं। आवश्यकता से अधिक बोलना भी हमारी ऊर्जा का व्यय करता है। अतः कुछ समय का मौन धारण करना भी हमारे आभा के लिए लाभप्रद है। बहुत से लोगों की आदत होती है किसी न किसी की निंदा करने की, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि निंदा करने वाला व्यक्ति अपने आभा को कमजोर करता है, पर वो जिस व्यक्ति की निंदा कर रहा होता है उस व्यक्ति के हिस्से की नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर उस व्यक्ति के आभा को मजबूत करता है। इसलिए भारतीय संतों ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करत सुभाए। सो दोस्तों, ये थी जानकारी मनुष्य शरीर एवं उससे जुड़े आभा मंडल के रचना, उसकी क्रिया एवं आभा मंडल को कमजोर करने वाले परिबलों के ऊपर। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपको नॉलेज देने वाला हूँ कि हम अपने आभा मंडल को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं। कुछ आसान क्रियाओं से, कुछ सिंपल से क्रियाओं के साथ हम अपने आभा मंडल को मजबूत करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।